शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एनिमल्स लिविंग एंड सर्वाइविंग हम आपका ये चैप्टर कर रहे हैं आज। इसमें आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, मोमेंट्स इन एनिमल्स, हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें मैमल्स और एक्वेटिक एनिमल्स, इनके बारे में हमने जानकारी ली थी। चलिए अब करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग्स, दे यूज देयर लेग्स टू मूव अराउंड। इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके छह पैर होते हैं और वो इनका यूज एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए करते हैं। वाटर इंसेक्ट्स लाइक वाटर बूटमैन यूज देयर लेग्स एज ओरस टू स्विम। वाटर इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अपने पैरों का यूज करते हैं स्विम के लिए। इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज, बीस एंड हाउस फ्लाइज हैव विंग्स। इन सब के पास विंग्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये एक जगह से दूसरी जगह उड़ सकते हैं। द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स आर थिन, और ये जो विंग्स होते हैं ये पतले होते हैं, बहुत सॉफ्ट यानी डेलिकेट होते हैं, एंड आर मेड अप ऑफ अ टाइनी स्केल्स, और इनमें छोटी छोटी स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स, टर्टल, क्रोकोडाइल एंड लिजर्ड्स हैव शॉर्ट लिम्स। दीज लिम्स हेल्प देम टू क्रॉल। इन लिम्स की वजह से ये जो आप देख रहे हैं इनकी हेल्प से ये क्रॉल करते हैं यानी कि रेंगते हैं। स्नेक्स आर लेगलेस रेप्टाइल्स, आप स्नेक यानी कि सांप को जानते हैं, इनके पास पैर नहीं होते हैं। दे हैव स्केल्स और प्लेट्स ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर बॉडीज टू क्रॉल। अगर सांप जो उसको उल्टा करके देखेंगे तो जो अंडर साइड होता है उस पर क्या होते हैं, स्केल्स या फिर प्लेट्स होते हैं, और इनकी हेल्प से सांप जो है वो क्रॉल करता है यानी कि रेंगता है। ठीक है। सम बर्ड्स हु कैनॉट फ्लाई लाइक ऑस्ट्रिच एंड कीवी, कुछ बर्ड्स होती हैं जो फ्लाई नहीं करती हैं जैसे कि ऑस्ट्रिच और कीवी। दे यूज देयर हिंड लिम्स टू वॉक, रन, हॉप ऑन लैंड और प्रीच ऑन ट्रीज। वो अपने हिंड लिम्स यानी पीछे वाले जो पैर होते हैं उनका यूज करते हैं। अब जानते हैं माइग्रेशन के बारे में। कुछ बर्ड्स जो होती हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन, कुछ कंडीशंस में जब एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। इन अनफेवरेबल कंडीशंस सम एनिमल्स मूव ओवर अ लार्ज डिस्टेंस टू गो अनदर प्लेस एंड कम बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस व्हेन कंडीशन बिकम्स फेवरेबल। यानी जब कंडीशंस फेवरेबल ना हो, उनके अनुकूल नहीं होती कुछ एनिमल्स के, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, और जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती हैं तो वो वापस अपने पुरानी जगह पर आ जाते हैं। मूवमेंट ऑफ एनिमल्स ओवर लार्ज डिस्टेंस ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड, कोल्ड वेदर और टू ब्रीड इज कॉल्ड माइग्रेशन। जब एनिमल्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, चाहे खाने की शॉर्टेज की वजह से, या फिर बहुत ठंडा मौसम हो रहा हो, या फिर उनको ब्रीड करने हो, नेक्स्ट जनरेशन को बर्ड देना हो, ऐसे में जो एनिमल्स मूव करते हैं उसको माइग्रेशन कहते हैं। द साइबेरियन क्रेन विजिट्स इंडिया एवरी ईयर इन विंटर। साइबेरियन क्रेन जो होती है, आप यहाँ देखिए ये जो चित्र है, ये साइबेरियन क्रेन है जो कि विंटर्स में, सर्दी के मौसम में इंडिया विजिट करती है। इट देन गोज बैक टू साइबेरिया ड्यूरिंग समर, और समर में यानी गर्मी के मौसम में ये वापस चली जाती है। द मोनोआर्च बटरफ्लाई फ्लाइज फ्रॉम कैनेडा टू मेक्सिको ड्यूरिंग द विंटर। इसी तरह से मोनोआर्च बटरफ्लाई जो होती है वो कैनेडा से मेक्सिको उड़कर जाती है ड्यूरिंग विंटर, सर्दी के मौसम में। फिशेस लाइक ईल्स ट्रेवल इन लार्ज ग्रुप्स टू द सी टू ले एग्स। ईल नाम की जो फिश होती है वो बहुत बड़े ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह जाती है टू ले एग्स यानी कि अंडों को जन्म देने के लिए, एक जगह देने के लिए। ऑन हैचिंग द पेरेंट ईल डाइज, जब हैचिंग यानी कि अंडे फूटते हैं उनमें से बच्चे निकलते हैं, उस वक्त जो पेरेंट ईल होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, और जो बेबी ईल होते हैं वो वापस रिवर के थ्रू, जिस रिवर के थ्रू उनके पेरेंट्स जाते हैं दूसरी जगह, उसी रिवर से, उसी रास्ते से होते हुए वापस पहुंच जाते हैं। लॉक्टस आर इंसेक्ट दैट माइग्रेट इन समर। लॉक्टस डैमेज स्टैंडिंग क्रॉप्स इन फील्ड्स। ये ऐसे कीड़े हैं, इंसेक्ट हैं जो कि क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, और ये माइग्रेट करते हैं समर में, गर्मियों में। द आर्टिक ट्रेन इज द चैम्पियन इन माइग्रेशन। ये है आर्टिक ट्रेन, ठीक है। इट ब्रीड्स इन आर्टिक इन समर। इट देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 17,000 किलोमीटर टू द अंटार्कटिका ड्यूरिंग द विंटर एंड अगेन गोज बैक कवरिंग द सेम डिस्टेंस। तो समझ सकते हैं कितना लंबा डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, 17,000 किलोमीटर इतना ट्रेवल करती है, और वापस इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस अपनी जगह पर आ जाती है। तो ये बर्ड्स में माइग्रेशन होता है इस तरह से। अब एक बात जो जानने की है वो ये है कि द आर्टिक ट्रेन हेल्ड द रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट माइग्रेशन डिस्टेंस फ्लाइंग अबाउट 30,000 किलोमीटर ईच ईयर। यानी आप समझ रहे हैं 30,000 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है आर्टिक ट्रेन हर साल ट्रेवल करती है।
और इसका साइज क्या है, बहुत ही छोटा है, और ये एक सी बर्ड होती है। आप इस चित्र में देखिए, ये आर्टिक ट्रेन है। तो बच्चों, इसके साथ आपका ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसको पढ़ें और समझें।